नाते शह जब दिल की बानी हो गई, नाते शह जब दिल की बानी हो गई, जिंदगी खुद ही सुहानी हो गई, जिंदगी खुद ही सुहानी हो गई, जिंदगी खुद ही सुहानी हो गई। और आज की देर की मुलाकात है शायद जब हुए तर्जुमानी हो गई, सिर हक की तर्जुमानी हो गई, जिंदगी खुद ही सुहानी हो गई, दानवासी की हद हो गई, गर्दन से भी कुछ मासीबा चाहिए, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों आलों की देकर हमें नेमते पूछते दीजिए। इसमें आपको वो कुछ मिल जाएगा कि जिसको फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुरान पाक की आयत में जो तिलावत की है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की दोनों भलाइयां अता फरमा रहा है कि दुनिया भी हसीन हो जाएगी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ऐसे मुर्शिद के साए में दीन कयामत कायम दाइम रखे। आमीन बिजाही नबी के नबी व सैयद अल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दुआवान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक कुरान की आयत में आप पेश करो सूरह आले इमरान की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून हर बात मदीने में कह दूंगा मैं रो रो कर, हर बात मदीने से अब बिखरे ही रहे बस अब जर्रात मदीने में बिखरे ही रहे बस अब हो जाओ फना इतना क्यों लौट के बिखरे ही रहे बस अब जर्रात मदीने में बिखरे ही रहे
बस अब, और तेरे दर की चटाई के टुकड़े मेरे कांधों पर, तेरे दर की चटाई के टुकड़े मेरे कांधों पर उतरेगी गुलामों की, उतरेगी गुलामों की बारात मदीने में, उतरेगी गुलामों की बारात मदीने में, आंसू मेरे ले आए और देखा भी अमीन हमने, पाया भी अमीन हमने, देखा भी अमीन हमने, पाया भी अमीन हमने, ऐसे तो नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे हालात मदीने में, ऐसे तो नहीं होंगे हालात मदीने में, आंसू मेरे ले आए और जाता है कोई दर दर, पाता है कोई घर पर, जाता है कोई दर दर, पाता है कोई घर पर उतरेगी अमीन अपनी, उतरेगी अमीन अपनी खैरात मदीने में, उतरेगी अमीन अपनी खैरात मदीने में, आंसू मेरे ले आए बरसात मदीने में, पाली तेरी शफकत की, पाली तेरी शफकत की सौगात मदीने में, आंसू मेरे ले आए पाली तेरी शफकत के आए, आंसू मेरे ले आए बरसात मदीने में, पानी तेरी शफकत की।
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور